काविंद्र चौहान के साथ। नवाबों की कहानियां सुनाने वाले इसी तरह माटी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन ये माटी तो रहेगी। हाँ, सिर्फ वही रहेगी। अब रानी का राज आया है, अंग्रेज रानी का। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। आज पूरे दिन देश ने एक ही तस्वीरें देखी कि किस तरीके से काशी में आज भव्यता दिखाई गई। यह अनूप दृश्य था, अकल्पनीय था और सबसे सुंदर तस्वीरें काशी आज पूरा देश देख रहा है, जो कुछ काशी में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का पूरा कुनबा, जो कि दरअसल सरकार है, सरकार ने काशी को बदल दिया है, भव्य कर दिया है। दर्शकों, काशी का जिक्र दरअसल बार बार इसलिए होता है क्योंकि काशी हमें याद दिलाता है कि इतिहास में हमारे साथ किस तरह से जुर्म हुए। अब हम लोगों को यह सोचने और समझने की जरूरत है, आवश्यकता है कि इतिहास में जो जुर्म हुए हैं उनको पहचाने, समझें और ऐसे में अपने फ्यूचर का एक नया निर्माण करें, भविष्य का निर्माण करें। दर्शकों, काशी विश्वनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, इसका कहीं भी सही सही स्पष्ट जिक्र नहीं है, क्योंकि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है और बनारस है, यह दरअसल इतिहास से भी पुराना है। जब से इतिहास लिखना पढ़ना शुरू किया गया, उससे भी पुरानी ये चीजें हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर भी उतना ही पुराना है और साथ ही साथ बनारस भी उतना ही पुराना है। काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया किसने, ये तो स्पष्ट रूप से हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा किसने और बाद में इसका नौ निर्माण किसने करवाया, यह जरूर हम आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि 1194 ईस्वी में इसको मोहम्मद गोरी ने तोड़ा। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में इसको तोड़ा। 1505 से 1515 ईस्वी में इसको सिकंदर लोदी ने तोड़ा। इसके साथ ही 1669 में इसको औरंगजेब ने तोड़ा। तो इन लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। इसके बाद किसने इस मंदिर को बनवाया, किसने हिंदुओं का जो अभिमान था उसको बचा कर रखा, वापस देने की कोशिश की, तो 1585 में राजा मान सिंह उन्होंने इस मंदिर को दोबारा बनवाया, इसका दोबारा नव निर्माण कराया, जो कि तोड़ा गया था इन आक्रांताओं के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। दर्शकों, 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया और सुनकर थोड़ा सा गजब, थोड़ा सा अलग लगेगा, थोड़ा सा अकल्पनीय लगेगा कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भव्य काशी आपके सामने पेश किया है, सबका जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुले मन से एक जिक्र करके सबको हिला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिक्र किया उसमें दो कीवर्ड थे, एक था औरंगजेब और दूसरा था शिवाजी महाराज। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर औरंगजेब है तो हमारे देश में शिवाजी भी हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल इसलिए कहा क्योंकि औरंगजेब वो शख्स था जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था और यहां पर मस्जिद बनाने की उसने नींव रखी थी। तो दर्शकों, जो मंदिर तोड़ा गया था, जिस मंदिर को कुचला गया था, जिस मंदिर को आक्रांताओं के द्वारा भस्म करने की साजिश की थी, आज वो मंदिर एक बार फिर जगमगा रहा है। उस मंदिर की सौंदर्य, जो खूबसूरती, जो किरणें, जो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है, उसके बाद गूजबम्स होना लाजमी है। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू डरता नहीं है, जी हाँ, हिंदू डरता नहीं है। और इसी के साथ राहुल गांधी थोड़ा कम बोलते हैं, समझते हैं या क्या करते हैं, हिंदुत्व भी डरता नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं। शायद राहुल गांधी ये बात समझाने में पूरे नहीं हो पाए हैं अभी तक, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो काशी विश्वनाथ से हिंदुओं को और साथ ही साथ इस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का मतलब होता है यहाँ की 135 करोड़ जनता, तो 135 करोड़ लोगों का अभिमान आज बचाने का काम किया है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर
खुलकर खिलमिला रहा है, खुलकर जगमगा रहा है। तस्वीरें सबके सामने हैं, पूरे देश ने आज ये तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि मजदूरों के पैर धोए थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों को पुष्प वर्षा की है। उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने में अहम योगदान किसका है। सरकार का तो योगदान होता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो श्रमिकों का योगदान होता है उसको भी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज का कार्यक्रम काशी विश्वनाथ से होता हुआ दिल्ली तक आ गया है। दिल्ली तक इसलिए आ गया है कि क्यों, जब औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़ा था उसका नवनिर्माण कराया जा सकता है, और औरंगजेब अगर आक्रांता था, अगर औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया था, तो फिर औरंगजेब के नाम पर दिल्ली की सड़कें क्या कर रही, आखिर औरंगजेब के नाम पर दिल्ली की सड़कों का क्या काम है। अगर औरंगजेब के नाम पर बनी सड़क को बदलने का काम किया जा रहा था, उसका नाम बदलने की सोची गई थी 2015 में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, तो समस्या कहां थी। आज क्यों ना ये पूरा भारत डिमांड करे, मांग करे कि आक्रांता औरंगजेब, जिसने भारत को तोड़ा, यहां के मंदिरों को तोड़ा, यहां के लोगों का नरसंहार किया, उसके नाम पर दिल्ली की सड़क बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब के नाम पर भारत के नाले होने चाहिए, औरंगजेब के नाम पर भारत के शौचालय होने चाहिए, औरंगजेब के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शौचालय, नाले, इनके नाम की स्टीमें निकालनी चाहिए, लेकिन सड़क का, मार्ग का नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। औरंगजेब के नाम पर तो बिल्कुल नहीं। आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर सड़क होनी चाहिए, यह मांग पूरा देश कर रहा है, मैं कर रहा हूं और मेरे साथ पूरा भारत कर रहा है। और भारत कह रहा है कि औरंगजेब के नाम पर यह सड़क क्यों ना हो। बात छोटी लेकिन बात बहुत बड़ी, सोचने समझने के लिए काफी है। बाकी आज पूरे दिन जो कुछ हुआ 14 से 15 मिनट में आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल विदेशी मीडिया से, जो भारत की तस्वीरें खींचने में अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल मानता है, बीबीसी। यह बीबीसी इंग्लैंड में बैठकर इंग्लिश बतियाकर भारत में क्या करना चाहता है। बीबीसी की तस्वीर है जो कहता है कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा, औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तो भैया 10, 11, 12 मंदिर तोड़े हैं। तो मतलब बीबीसी को लगता है कि 10, 11, 12 मंदिर तोड़ना एक आम बात है, आम चीज है। ये बीबीसी की तस्वीरें थी जो बीबीसी कह रहा है, क्या सच में औरंगजेब ने भारत के मंदिरों को तोड़ा, तो इसमें यह बाद में सफाई देता है बीबीसी लंदन से बैठकर कि नहीं, सिर्फ 10, 11, 12 मंदिरों को तोड़ा गया है औरंगजेब के द्वारा। मतलब 10, 11, 12 मंदिरों की कोई गिनती नहीं, इनको कभी भी तोड़ा जा सकता है। बीबीसी को बैन करने, बॉयकॉट करने, उनको छोड़ने और बिल्कुल भी ना पढ़ने की भारत में जरूरत है, क्योंकि ऐसे अखबार सिर्फ अपना एजेंडा, सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा सेट करते हैं जो कि हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी और भारत विरोधी। ऐसी चीजों को नकार देना चाहिए। बाकी काशी विश्वनाथ में जो कुछ हुआ, जैसा मैंने आपको कहा था कि 14 से 15 मिनट की रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। रिपोर्ट ऑन द स्क्रीन प्लीज। बाबा भोले की नगरी कहे जाने वाले काशी धाम में बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे 33 महीने बाद आखिरकार पूरा कर लिया गया। बता दें कि सोमवार को बाबा की नगरी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है। तकरीबन 700 करोड़ की लागत से तैयार पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का संकल्प आज से 2 साल पहले पीएम मोदी ने लिया था, जिसे उन्होंने साकार करके दिखा दिया। वहीं इस कॉरिडोर के उद्घाटन से जहां बीजेपी गदगद है, तो वहीं काशीवासी भी यहां बम बम भोले के नारे लगा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस कॉरिडोर की खासियत क्या है। काशी विश्वनाथ धाम क्यों है खास? 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम, छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया। कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। 4 बड़े बड़े गेट प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। कॉरिडोर में मंदिर चौक,
मुमुक्षु भवन 3 यात्री सुविधा केंद्र हैं। कॉरिडोर में 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लस हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी का काशीवासियों ने फूलों से स्वागत किया। पीएम के इस भव्य स्वागत से यह अंदाजा तो जरूर लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के लिए लोग ना जाने कितने सालों से इंतजार कर रहे थे, जो कि आज खत्म हो गया है। वहीं पीएम वाराणसी पहुंचने के बाद सबसे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने काल भैरव की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने ललिता घाट पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा भोलेनाथ का अनुष्ठान किया, जिसके बाद करीब 500 साधु संतों और मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर को काशीवासियों को समर्पित कर दिया। वहीं ये कॉरिडोर कैसे बनकर तैयार हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। पहले चरण में 339 करोड़ की लागत आई है। हर रोज करीब 2000 मजदूरों ने काम किया है। कॉरिडोर का यह पूरा इलाका करीब 5,00,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए करीब 400 इमारतों का अधिग्रहण किया गया है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार करने में 2 साल 9 महीने का वक्त लगा है। काशी को कॉरिडोर की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने हर हर महादेव के जयकारे लगाकर की। और उसके बाद काशीवासियों को संबोधित किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की वो 10 बड़ी बातें जो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान की। मंदिर और मंदिर परिसर में 50,000 से 75,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। ये भव्य धाम भक्तों को अतीत के गौरव का एहसास कराएगा। हजारों सालों का सपना पूरा हुआ। भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है कॉरिडोर। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है। काशी में प्रवेश करके सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं लोग। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। आज के दिन ने नया इतिहास रच दिया है। मेरे लिए जनता ईश्वर का रूप है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। जहां एक ओर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नए और भव्य काशी के बारे में बताया, तो वहीं इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर भी वार किया। जरा सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा। जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय,
अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है, उसका वैभव विस्तार ले रहा है, इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनर्स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। 50-60-70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं, यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था, विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है, ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन काशी तो काशी है। वहीं पीएम मोदी के संबोधन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया और पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए काशीवासियों को बधाई दी। या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशीवासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है, और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी
बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय महत योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा, आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं, पूरे काशीवासी देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है। और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य के काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सबके लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम के इस भाव के साथ हम सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम के प्रति निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भजते रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, पूज्य संतों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी यहां पर समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बता दें कि वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी बेहद अभिभूत नजर आए, वहीं काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यजमान बने। इस दौरान सड़क के दोनों छोर पर खड़े लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर पीएम मोदी और सीएम योगी का स्वागत किया। इस दौरान बाबा की नगरी में पीएम मोदी समेत नगरवासी भी गदगद नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो जिसने गुरु साहिब का सरकलम किया, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने 4.5 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया, वो राक्षसों का तो हीरो हो सकता है। कभी किसी अच्छे देश, अच्छे मुल्क, अच्छे लोग, अच्छे मानवों का कभी किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हीरो नहीं हो सकता। औरंगजेब एक लुटेरा था, एक राक्षस था, एक आक्रांता था, वो इंसान नहीं था। वो दरअसल राक्षसी ताकतों वाला वो व्यक्ति था जिसने हमारे देश के साथ गद्दारी की, जिसने हमारे देश को लूटा, खसोटा, मार पीटा, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं का सर्वनाश किया, हिंदुओं का नरसंहार किया। ऐसे में एक ही मांग है कि दिल्ली के दिल में बसे उन हर मार्गों को, उन हर मार्ग के नामों को बदल देना होगा, जो हमें इतिहास के आक्रांताओं को याद करने का एक भी क्षण, एक भी पल देती हो। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात हो। धन्यवाद। नवाबों की कहानियां सुनाने वाले इसी तरह माटी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन ये माटी तो रहेगी। हाँ, सिर्फ वही रहेगी। अब रानी का राज आया है, अंग्रेज रानी का। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी, बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब